प्यारे दोस्तों, पुराने जमाने की बात है। किसी सल्तनत में खूबसूरत शहजादी रहती थी। वो शहजादी नीले लिबास में बहुत प्यारी लगती थी। उसके खूबसूरत सुनहरे बाल तमाम लोगों को बहुत ज्यादा भाते थे। वो शहजादी बहुत हमदर्द और रहम दिल थी। वो अपनी सल्तनत में मौजूद तमाम गरीबों की मदद करती थी। उस शहजादी के पास एक जादुई आईना था, जिस आईने में वो अपने सल्तनत के तमाम गरीबों को देख लिया करती थी और उसकी मदद से वो उन गरीबों तक पहुँच कर उनकी तमाम ख्वाहिशें पूरी किया करती थी। यूँ उस सल्तनत के तमाम लोग उस शहजादी की रहमदिली से बहुत ज्यादा खुश थे। एक बार वो शहजादी अपने महल में सीढ़ियाँ उतरते हुए गिर गई और यूँ उस शहजादी का आईना टूट गया। शीशे के टूटने के बाद शहजादी बहुत ज्यादा गमगीन रहने लगी। शहजादी के वालिद बादशाह और उसकी वालिदा मलिका अपनी शहजादी के इस दुख में बराबर के शरीक थे और सल्तनत के तमाम लोग परेशान होने लगे। शहजादी की हालत रोज बरोज खराब होती गई और उसकी हालत संभलती दिखाई नहीं दे रही थी। एक बार मलिका और बादशाह अपनी शहजादी को अपने शाही बाग में लेकर गए ताकि उसकी तबीयत कुछ अच्छी हो जाए और ताज़ा हवा खाने से उसकी तबीयत संभल जाए। यूं शाम हो गई और शहजादी ने मलिका और बादशाह को वहां से जाने का कहा और उस शहजादी ने ये कहा कि मैं इस शाही बाग में अकेले रहना चाहती हूं। यूं रात हो गई और रात के साये ढलते ही वो शहजादी एक बेंच के ऊपर बैठे बैठे सो गई। अचानक उसे एक सरसराहट महसूस हुई। जब उसकी आंख खुली तो उसने खूबसूरत परी को अपने पास पाया। वो परी शहजादी के उदास रहने के साथ साथ बहुत गमगीन हो रही थी। उस परी ने शहजादी को कहा कि वो उसके आईने को ठीक करने में शहजादी की मदद करेगी। यूं उस परी ने अपनी छड़ी की मदद से शहजादी के आईने को ठीक कर दिया। शहजादी की तबीयत आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगी और सुबह होते ही वो अपने जादुई आईने को लेकर महल की खिड़की में आकर खड़ी हो गई। उसके आईने की मदद से वो तमाम सल्तनत के गरीब उसे दोबारा दिखाई देने लगे और वो दोबारा से गरीबों की मदद करने लग गई। इस तरह सल्तनत में खुशी की लहरें दौड़ गई और बादशाह और मलिका अपनी शहजादी की तबीयत ठीक होने पर नहायत खुश हुए। सल्तनत के गरीब दोबारा से शहजादी को दुआएं देने लगे और यूं सल्तनत के लोग हंसी खुशी रहने लगे।